हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मिशन 100 परसेंट इन ट्वेल्थ मैथ्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स भाई राजेश्वर चौहान स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो फिर से टेंजेंट एंड नॉर्मल की थर्ड इक्वेशन है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो आज हम इसकी थर्ड वीडियो ले रहे हैं ए पार्ट फाइव के टेंजेंट नॉर्मल की थर्ड वीडियो क्लियर तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पिछली वीडियो में हमने थर्टीन क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू द कर एक्स इक्वल टू वन माइनस साइन थीटावल टू वाई बाई फोर क्लियर वी द इक्वेशन वी अस सपोज एक्स इज गिवन एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस्टा तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट दैट इज वन डिफरेंशिएशन जीरो माइनस कॉस् थीटा का साइन थीटा हो जाएगा ना वाई इक्वल टू वॉट वाई इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डीवाई बाई डी थीटा इक्वल टू थीटा का डिफरेंशिएशन वन माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा ना वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा तो dy बाई डी थीटा मीन्स वन माइनस कॉस् थीटा अपॉन साइन थीटा क्लियर नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस थीटा को लिख सकते हो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और अपॉन में साइन थीटा का मतलब हो गया टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू टू से टू कैंसिल एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू दैट इज टेन थीटा बाई टू तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू कितना है पाई बाई फोर तो दैट इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर का मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर बाई टू यानी पाई बाई एट वैसे तो इसकी वैल्यू हम इलेवेंथ क्लास में निकाल चुके हैं अगर करना चाहो तो अलग से निकाल सकते हो बाकी टेन पाई बाई फोर फोर एट की वैल्यू होती है रूट टू माइनस वन तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन पाई बाई एट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स बट बिफोर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन तो एक्स वन इक्वल टू कितना हो जाएगा क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स वन इक्वल टू दिया वन माइनस कॉस थीटा तो वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है पाई बाई फोर तो दैट इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई रूट टू तो ये हो जाएगा आपका रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन सिमिलरली वाई वन इक्वल टू आ जाएगा कितना थीटा थीटा का मतलब पाई बाई फोर माइनस साइन पाई बाई फोर तो दैट इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस साइन पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई रूट टू तो दिस इज इक्वल टू कितना रूट टू पाई एल्शियम आएगा रूट टू रूट टू पाई माइनस वन तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई वन क्लियर नाउ पॉइंट हमारा कितना आ गया पॉइंट हमारा आ गया रूट टू माइनस वन अपोन रूट टू और रूट टू पाई माइनस वन अपोन रूट टू तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाई दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट वाई माइनस वाई वन वाई वन मीन्स रूट टू पाई माइनस वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स स्लोप कितना आया हमारा स्लोप आया था हमारा टेन पाई बाई एट यानी रूट टू माइनस वन रूट टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन का मतलब रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू क्लियर तो बस इसको अब सॉल्व करना है ये आ जाएगा हमारा रूट टू वाई माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट टू पाई और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन और अपॉन रूट टू दोनों का एलसीएम आएगा तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा रूट टू की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना आएगा एलसीएम दैट इज़ रूट टू माइनस वन तो एज इट इज़ है इंटू रूट टू एक्स माइनस रूट टू और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन अपॉन रूट टू दोनों का एल्शियम कैंसिल हो जाएगा क्लियर इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा रूट टू इंटू रूट टू एक्स तो रूट टू इंटू रूट टू माइनस वन इंटू एक्स और माइनस आ जाएगा रूट टू प्लस वन और रूट टू माइनस वन रूट टू माइनस वन है तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉमन ले लूँगा तो रूट टू माइनस वन आएगा और ये रूट टू माइनस वन है तो रूट टू माइनस वन ही आएगा दोनों जगह ये भी माइनस है और ये भी माइनस है ठीक है बस अब इसको सॉल्व करना है कितना इसको इधर ले जाइए तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो कितना आएगा टू माइनस रूट टू इंटू एक्स और माइनस रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर तो टू प्लस वन माइनस कितना टू रूट टू ठीक है तो इसको सॉल्व कर लीजिए बस एक्स को एक तरफ और सारे को सभी को एक तरफ ले जाइए तो ये आ जाएगा हमारा कितना इसको सबको उठा के राइट साइड में ले जाइए तो ये आ जाएगा टू रूट टू माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू वाई और इज इक्वल टू सबको इधर ले गए ना तो एक्स को इधर ले गए वाई को इधर ले जाइए एक्स वाई को एक तरफ तो अब ये आ जाएगा हमारा कितना या एक तरफ ही ले लीजिए दोनों तो माइनस ये आया कितना दो और एक तीन तो माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस टू रूट टू और ये इधर आके हो जाएगा प्लस का रूट टू पाई और माइनस वन चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो कॉमन ले सकते हो थ्री में से वन गया टू आ जाएगा बस खाली थ्री और वन फोर हो जाएगा और इक्वल टू हो गया हमारा जीरो तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और निकालनी है हमें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी y- माइनस वाई वन यानि रूट टू पाई माइनस वन अपोन रूट टू इक्वल टू स्लोप हो गया माइनस वन अपोन रूट टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन रूट टू माइनस वन रूट टू बस इसको सॉल्व करना है अब आपको रूट टू माइनस वन को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रूट टू माइनस वन इंटू वाई रूट टू माइनस वन क्लियर तो ये हो गया रूट टू माइनस वन इंटू वाई माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू पाई प्लस वन माइनस वन और अपोन में आ जाएगा रूट टू और इक्वल टू हो गया माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस रूट टू और माइनस वन ठीक है तो बस सबको एक तरफ ले जाइए तो ये आ जाएगा एक्स प्लस रूट टू माइनस वन इंटू वाई और इक्वल टू इसको सॉल्व कर लीजिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा या रूट टू को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका रूट टू एक्स और इधर इसमें भी यहाँ पे रूट टू आ जाएगा और इक्वल टू कितना रूट टू की इधर मल्टीप्लाई की तो कितना हुआ उसमें एक्स में तो कर ही दिया तो टू माइनस रूट टू और ये प्लस हो जाएगा इधर आके रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस रूट टू पाई माइनस वन बस इसको सॉल्व कर दीजिए दैट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्लियर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स इक्वल टू ए साइन क्यूब थी ए कॉस क्यूब थीटा एड थी टू पाई बाई फोर यहां दिया हुआ है थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर तो एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना ए साइन क्यूब थीटा तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे अगर हम पहले तो ये हो जाएगा थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा इसी प्रकार y इक्वल टू दिया हुआ है a कॉस क्यूब थीटा तो dy वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा तो dy वाई बाई डी अगर हमें निकालना है तो थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा हो गया हमारा थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा क्लियर तो देखिए जरा थ्री ए से थ्री ए कैंसिल एक साइन थीटा कैंसिल और एक कॉस थीटा कैंसिल तो ऊपर बचेगा माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे माइनस साइन थीटा तो माइनस कॉर् थीटा दैट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्लियर अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू कितना पाई बाई फोर ठीक है और ये आ जाएगा माइनस कॉट पाई बाई फोर और कॉट पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन यानी माइनस वन आ गया तो दिस इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल बाद में निकालेंगे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने से पहले हमें पॉइंट चाहिए स्टूडेंट और पॉइंट कितना होगा हमारा बस जो एक्स और वाई दे रखे हैं उसमें एक्स के थीटा के प्लेस पर पाई बाई फोर रख दीजिए तो एक्स वन कितना आएगा हमारा ए साइन क्यूब पाई बाई फोर और वाई वन इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस क्यूब पाई बाई फोर तो ये हो गया एक्स वन इक्वल टू ए साइन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन बाई रूट टू तो ये हो जाएगा वन बाई रूट टू का मतलब टू रूट टू आ जाएगा ऐसे ही वाई वन भी आ जाएगा हमारा ए इंटू वन बाई टू रूट टू ठीक है तो पॉइंट हमारा हो गया ए बाई टू रूट टू और ए बाई टू रूट टू तो ये हो गया हमारा पॉइंट एक्स वन बाई वन क्लियर नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगी अब हमारी कितनी आएगी y माइनस वाई वन ए बाई टू रूट टू इक्वल टू स्लोप कितना था माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए बाई टू रूट टू तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट टू रूट टू वाई माइनस ए इक्वल टू माइनस की मल्टीप्लाई करके एलसीएम भी ले लीजिए इसका तो माइनस टू रूट टू एक्स और माइनस माइनस प्लस ए और अपॉन टू रू टू जो एलसीएम आया दोनों का कैंसिल हो जाएगा सबको एक तरफ ले जाइए तो टू रू टू एक्स प्लस टू रू टू वाई इक्वल टू ये ए इधर आ जाएगा तो दैट इज टू ए दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और निकालते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा वाई माइनस वाई वन वही ए बाई रूट टू रूट टू इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा स्लोप यहाँ माइनस वन है तो नॉर्मल का हो जाएगा स्लोप वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन ए बाई टू रूट टू क्लियर तो ये हो जाएगा टू रूट टू वाई माइनस ए इक्वल टू टू रूट टू एक्स और माइनस ए और टू रूट टू एल्सियम कैंसिल हो जाएगा ई सही कैंसिल हो गया तो टू रूट टू वाई इक्वल टू टू रूट टू एक्स टू रूट टू से टू रूट टू कैंसिल हो गया यानी वाई इक्वल टू एक्स इट मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायेयर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर वेयर द टेंजेंट इज पैरल टू एक्स एक्सीज देखिए इसमें दो क्वेश्चन है एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का भी टॉपिक आ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है हमें पहले उसके बाद हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी सॉरी पॉइंट निकालने जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सीज के पैरल है तो सबसे पहले वाई इक्वल टू दिया हुआ है इसको अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर तो पहले हम डीवाई बाई डी एक्स निकालते हैं ये हो जाएगा हमारा टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और इंटू कितना टू एक्स माइनस टू यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा और इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा तो टू टू जब फोर एक्स हो जाएगा यहाँ से बचा एक्स माइनस टू और यहाँ से बचा एक्स माइनस वन नाउ फोर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो तो फोर एक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो कितना आएगा एक्स इक्वल टू जीरो आ गया टू आ गया और वन आ गया तो तीन पॉइंट हमारे मिल गए ठीक है अब यहां से कितना आएगा इसमें कह रहा है आपको कि पॉइंट हमारे एक्स की जो वैल्यू आई है जीरो आई वन आई और टू आई तो यहां से अब हम एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या चाहिए इंटरवल चाहिए तो पहले में हमारा आएगा इंटरवल इंटरवल दूसरे में आएगा हमारा साइन ऑफ एफ डैस एक्स और थर्ड में आएगा हमारा नेचर ऑफ़ एफ एक्स तो इंटरवल आया सबसे पहले जीरो है तो माइनस इनफिनिटी टू ज़ीरो दूसरा आएगा जीरो टू वन फिर आएगा वन टू टू और फिर आएगा टू टू इनफिनिटी। तो ये चार इंटरवल आएंगे हमारे स्टूडेंट माइनस इनफिनिटी टू जीरो यानी जीरो से कम के लिए ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव तो नेगेटिव 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 यानी नेगेटिव आएगा जीरो से ज़्यादा और वन से कम लेते हैं तो जीरो से ज़्यादा का मतलब ये पॉजिटिव हो गया वन से कम लेते हैं तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ठीक है तो इसका मतलब कितना दोनों ही ये पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव ये आ गया पॉजिटिव वन से ज़्यादा लेते हैं तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो ने, नेगेटिव आएगा फिर और टू से ज़्यादा लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव में स्ट्रिकली डिक्रीजिंग पॉजिटिव में स्ट्रिकली इंक्रीजिंग फिर स्ट्रिकली डिक्रीजिंग फिर स्ट्रिकली इंक्रीजिंग तो यहाँ पूछ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए तो इसका मतलब सो एफेक्स इज इंक्रीजिंग एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन किस में आएगा इंक्रीजिंग आ रहा है जीरो टू वन यूनियन टू टू इंफिनिटी तो ये तो हुआ हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अब पूछ रहा ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर वेयर द टेंजेंट इज पैरल टू एक्स एक्सिस अगर टेंजेंट इज के पैरल है तो ये हमारा देखिए ध्यान से ये एक्स एक्सिस के पैरल हो गया यानी जो हमारा एंगल है एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट जीरो बना रहा है और टेन जीरो का मतलब स्लोप जीरो हो गया और स्लोप जीरो हो गया तो हमारी यही कंडीशन आ जाएगी ठीक है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो हमारे टेंट पैरल टू एक्स एक्सिस है वो पॉइंट हमारे यही आएंगे कितने एक्स इक्वल टू जीरो वन और टू ये तीन पॉइंट ही आएंगे तो दिस इज द क्वेश्चन सिक्सटीन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन एट द पॉइंट रूट टू ए बी तो कर्व दिया हुआ है हमारा कितना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए तो टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू वाई अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का फिर से करोगे तो कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स वाई का फिर से करा तो वन अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी इक्वल टू जीरो तो ये आ गया टू वाई अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा टू से टू कैंसिल हो गया तो ये आएगा हमारा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर ऊपर पहुँचेगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और y नीचे पहुँचेगा इन टू एक्स अपॉन वाई ठीक है अब हमें निकालना है dy वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट रूट टू ए कॉमा बी इक्वल टू तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन टू एक्स की वैल्यू कितनी है रूट टू ए अपॉन बी एक बी से एक बी कैंसिल एक ए से एक ए कैंसिल तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा डी वाई बाई डी एक्स एट रूट टू ए बी इज इक्वल टू कितना यहाँ से रूट टू बी बचा रूट टू बी अपॉन ए क्लियर तो ये है हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट अब हम इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी टेंजेंट किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम रूट टू ए कॉमा बी ठीक है तो ये आ गया हमारा वाई माइनस वाई वन वाई वन कितना है बी इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप रूट टू बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी रूट टू ए क्लियर ए की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो ए वाई माइनस ए बी एज इक्वल टू रूट टू बी एक्स और माइनस रूट टू इंटू रूट टू आ गया कितना टू ए बी तो सबको एक तरफ ले जाइए तो ये आएगा हमारा रूट टू बी एक्स माइनस ए वाई और ये भी इधर आके माइनस का प्लस हो गया तो माइनस टू ए बी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो तो ये हो गया रूट टू बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू जीरो तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन कितना है b इक्वल टू अब की बार स्लोप कितना हो जाएगा ये टेंजेंट का स्लोप है तो उल्टा हो जाएगा माइनस साइन के साथ तो माइनस ए अपॉन रूट टू बी हो गया इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी रूट टू ए ठीक है इसको इधर ले जाइए तो ये आएगा रूट टू बी वाई माइनस रूट टू बी स्क्वायर और इक्वल टू हो गया माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस रूट टू इंटू ए स्क्वायर ए एक्स को इधर ले जाइए तो ये आएगा ए एक्स प्लस रूट टू बी वाई और ये इधर आ जाएगा तो माइनस रूट टू तो कॉमन आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि माइनस साइन बाहर ले लिया है इक्वल टू जीरो तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन पी इन नाइन माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू वाई प्लस वन कट इच अदर एट राइट एंगल्स तो पहले देखिए इक्वेशन हम लिख लेते हैं स्टूडेंट इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन पी इंटू नाइन माइनस वाई इसको इक्वेशन वन मान लिया और दूसरी है हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू वाई प्लस वन इसको इक्वेशन टू मान लिया तो पहले हमें ये पॉइंट निकालना है कि जिस पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है तो इक्वेट कर दीजिए दोनों तरफ इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू दोनों को इक्वेट किया तो ये आया हमारा नाइन पी इंटू नाइन माइनस वाई इज इक्वल टू पी इंटू वाई प्लस वन तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ तो 81 वन माइनस नाइन वाई इक्वल टू वाई प्लस वन तो ये हो गया नाइन वाई माइनस वाई इक्वल टू वन माइनस एट्टी तो ये हुआ माइनस टेन वाई इक्वल टू माइनस एट्टी माइनस से माइनस कैंसिल तो वाई इक्वल टू आ जाएगा एट वाई की वैल्यू पुट वाई इक्वल टू एट इन सेकेंड में रख लेते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू एट प्लस वन यानि नाइन तो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया थ्री अंडर रूट पी ठीक है तो पॉइंट हमारा आ गया कितना पॉइंट हमारा हो गया रूट थ्री थ्री रूट पी और कॉमा एट ठीक है नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू लेकिन इक्वेशन से पहले अभी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अभी स्लोप तो निकाला ही नहीं हमने ठीक है तो अब क्या करें नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन तो यह आएगा 2x एक्स इक्वल टू नाइन पी इंटू माइनस डी आ जाएगा तो इसका मतलब dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस टू एक्स अपॉन नाइन पी तो dy वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर निकालना है हमें पॉइंट था हमारा थ्री रूट पी कॉमा एट तो ये आ गया हमारा माइनस टू इंटू थ्री रूट पी अपॉन नाइन पी ठीक है तो देखिए जरा ध्यान से कितना थ्री थ्री जा नाइन तो ये आएगा माइनस टू अपॉन थ्री रूट पी नीचे बचेगा क्योंकि ऊपर अंडर रूट में नीचे विदाउट अंडर रूट है क्लियर अब अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू तो ये आएगा 2x एक्स इक्वल टू पी इंटू डी वाई बाई डी तो यहाँ से हमारा dy वाई बाई डी कितना आया 2x एक्स अपॉन पी तो हमें निकालना है dy वाई बाई डी एक्स एट थ्री रूट पी कौमा एट तो इक्वल टू होगा टू इंटू थ्री रूट पी अपॉन पी तो ये आ जाएगा हमारा यहां भी कितना सिक्स अपॉन अंडर रूट पी ठीक है अब ये कह रहा है कि सिंस कर्व वन एंड टू इंटरसेक्ट एट राइट एंगल राइट right एंगल पर है तो इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा एट वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट टू इक्वल टू माइनस वन तो दोनों तो ये आया तीन थ्री टू जा सिक्स तो ये आएगा माइनस फोर अपॉन रूट पी रूट पी पी आ जाएगा इक्वल टू माइनस वन माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया तो फोर इक्वल टू पी इट मीन्स पी इक्वल टू आ जाएगा हमारा फोर और हमें निकालना क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था तो पी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट हमारी दैट इज इक्वल टू फोर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब वेर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस तो नॉर्मल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है क्लियर तो देखिए पहले हमें कर् की इक्वेशन क्या दे रखी है नाइन वाई स्क्वायर एक्स क्यूब तो ये हो जाएगा हमारा नाइन टू जाए एटीन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा हमारा थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन एटीन वाई तो थ्री सिक्स जा एटीन तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स वाई अब अगर कोई जनरल पॉइंट में मान लेता हूं लेटर सपोज कितना ई भी मान लेते हैं, या एक्स वन वाई वन मान लेते हैं चलिए एक्स वन वाई वन तो ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर अपॉन सिक्स वाई वन क्लियर कौन सा पॉइंट माना हमने पॉइंट माना एक्स वन वाई वन तो ये टेंजेंट का स्लोप आया है ठीक है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉर्मल ये आएगा माइनस वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर नीचे आ जाएगा और सिक्स वाई वन ऊपर पहुंच जाएगा ठीक है तो ये आ गया हमारा सिक्स वाई वन माइनस का अपॉन एक्स वन स्क्वायर अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू कितना स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया हमारा माइनस सिक्स वाई वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन स्क्वायर इधर ले जाइए तो एक्स वन स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स वन स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू माइनस सिक्स वाई वन एक्स और माइनस माइनस प्लस सिक्स एक्स वन वाई वन ठीक है अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि इंटरसेप्ट इक्वल है ठीक है तो ये इधर आ जाएगा तो ये हुआ सिक्स वाई वन इंटू एक्स और प्लस एक्स वन स्क्वायर इंटू वाई और इक्वल टू में इसको इधर ले गए हम तो ये आएगा एक्स वन स्क्वायर इंटू वाई वन और प्लस सिक्स एक्स वन इंटू वाई वन अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कब बनेगा जब इक्वल टू में बनाएगा तो इससे थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं ठीक है अब अपॉन अपोन की फॉर्म होती है तो ये आ जाएगा x अपोन तो जो ऊपर है वो भी नीचे पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा x1 वन स्क्वायर वाई वन प्लस सिक्स एक्स वन वाई वन अपोन सिक्स वाई वन और प्लस वाई अपोन एक्स वन स्क्वायर वाई वन प्लस सिक्स एक्स वन वाई वन और अपोन में आ जाएगा कितना एक्स वन स्क्वायर और इक्वल टू हो गया वन सिंस एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है ना तो इसका मतलब ये इक्वल टू ये आ जाएगा तो एक्स वन स्क्वायर वाई वन प्लस सिक्स एक्स वन वाई वन y1 सिक्स वाई वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायेर वाई वन प्लस सिक्स एक्स वन वाई वन एक्स वन स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कितना एक्स वन स्क्वायेर इक्वल टू सिक्स वाई वन ठीक है इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम वन ठीक अब क्योंकि ये जो एक्स वन वाई वन है ये कर्व पर भी पड़ेगा तो इसका मतलब इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सिंस एक्स वन वाई वन लाइज ऑन द कर्व कौन सा है? कौन सा कर्व है कर्व है नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब तो इसका मतलब नाइन वाई वन स्क्वायेयर इक्वल टू एक्स वन क्यूब हो जाएगा इक्वेशन नंबर इसको टू मान लो बस इन दोनों को अब सॉल्व करना है आपको ठीक है तो यहाँ से हम कितना रखें तो इसकी वाई वन की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम पहली इक्वेशन से तो वाई वन इक्वल टू कितना आ गया एक्स वन स्क्वायेर अपॉन तो ये आ जाएगा नाइन इंटू एक्स वन स्क्वायर अपॉन सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन क्यूब तो थ्री टू जा सिक्स और थ्री थ्री जा अच्छा अभी सॉरी हाँ एक्स वन स्क्वायर अपॉन ठीक है स्क्वायर करना पड़ेगा अभी पहले हमें तो पहले हम स्क्वायर करेंगे उसके बाद ही इसको कट करेंगे कितना आएगा ज़रा देखिए नाइन इंटू बाई वन की वैल्यू है हमारी एक्स वन स्क्वायर अपॉन सिक्स का होल स्क्वायर ठीक है तो ये तो आया नाइन इंटू एक्स वन की पावर फोर अपॉन थर्टी सिक्स इक्वल टू हो गया एक्स वन क्यूब तो अब कट जाएगा नाइन फोर जा थर्टी सिक्स तो एक्स वन की पावर फोर इक्वल टू एक्स वन क्यूब अब x1 वन क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ सबको एक तरफ ले जाएं तो 1 माइनस एक्स बचेगा इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो यहाँ से हुआ x1 वन क्यूब इक्वल टू ज़ीरो और 1 माइनस एक्स वन इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से आ जाएगा x1 वन इक्वल टू ज़ीरो और x1 वन इक्वल टू वन अब x1 की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए यहाँ रख दीजिए तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी इफ़ x1 वन इक्वल टू जीरो तो अगर x1 वन इक्वल टू जीरो है तो इट मीन्स y1 वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा और इफ x1 वन इक्वल टू वन सॉरी यह आया था वन एक्स वन इक्वल टू वन आया था इफ एक्स वन इक्वल टू वन देन वाई वन इक्वल टू कितना आ जाएगा वन का स्क्वायर वन यानी वन अपॉन ठीक है तो पॉइंट हमारा आ गया एक तो जीरो जीरो और एक आ गया हमारा वन कॉमा वन बाई सिक्स क्लियर तो स्टूडेंट ये थे हमारे टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बाद में अप्रोक्सीमेशन आता है लेकिन सन टू थाउजेंड के लिए अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक को हटा दिया है तो नई वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं उसमें बोर्ड में तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ तब तक के लिए नमस्कार